सक्ती विधानसभा सीट से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे ने राजकुमार पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनावी मैदान में खड़े राजकुमार पटेल से ग्रैंड न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान राजकुमार पटेल ने कहा कि क्षेत्र का विकास करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है, साथ ही गरीबों की समस्या का समाधान करने को लेकर भी वो कटिबद्ध है। जी नमस्कार, मैं हूँ भरत सिंह चौहान। आज पहुँचे हैं जिला सक्ती के विधानसभा में, जहाँ राजकुमार पटेल जी को पहली बार कांग्रेस जे से टिकट मिला है। जानना चाहेंगे पटेल जी से कि किन मुद्दों को लेकर के जनता के पास जाना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ग्रैंड न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपन हमारे बीच में पहुँचा और शक्ति विधानसभा के बारे में आपन हमर करा जानकारी उपलब्ध करा था। एक बार आप पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे था। और हमन जनता कांग्रेस जेहर ये मुद्दा लेके जाही कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस ही सरकार चला दारीस, 15 साल तक बीजेपी भी सरकार चलाइस, लेकिन हर योजना के तहत गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम करते, लेकिन कोनो भी सरकार गरीबी के प्रति कोई भी प्रकार के उन्मूलन कार्यक्रम नहीं करिस। हर पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चलाते, लेकिन कोनो गरीबी हटाए के बजाय गरीबी ला बढ़ाए के काम करते। ये हर है भाजपा और कांग्रेस के नहीं आते। एक नाम से स्वर्गीय अजीत जोगी जी हर छत्तीसगढ़ के समस्या ला देखते हुए, छत्तीसगढ़ के हालात और परिस्थिति देखते हुए, छत्तीसगढ़ के समस्या ला देख के ये पार्टी के निर्माण करीस।